संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान हो गए होंगे कि कोर्ट परिसर के अंदर एक वकील महिला पर गोलियां चला रहा है। गोलियां चलने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया और ये वकील उसके बावजूद भी रुक नहीं रहा था। सवाल यह है कि कोर्ट परिसर के अंदर किस तरह से ये शख्स, ये वकील गन लेकर अंदर गया। दरअसल ये मामला साकेत कोर्ट का है, साकेत कोर्ट दिल्ली का, जहां पर आज सुबह वकील की ड्रेस में आए व्यक्ति ने महिला के ऊपर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला पर 4 गोलियां चलाई। कुल 5 राउंड फायर किए गए थे, लेकिन उसमें से 4 राउंड महिला के ऊपर किए गए। वहीं एक गोली वकील अजय सिंह चौहान को भी लगी है। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जो वकील के वेश में व्यक्ति था, ये सस्पेंड वकील है और जिस महिला को गोली मारी है वो उसकी परिचित है। दोनों में पहले से ही पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चला था, जिस कारण उसने गोली मार दी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता का पति जो है अरुण रामास्वामी ने बताया कि मैंने मामले की सुनवाई के लिए सुबह 10 बजे के करीब महिला को कोर्ट में छोड़ा था। उसके तुरंत बाद ही उसकी पत्नी को गोली मारने की सूचना उसे मिली। आरोपी कामेश्वर ने उसे रुपए ऐंठने की कोशिश की थी। जानकारी के अनुसार ये घटना सुबह 10:30 बजे की है। घायल महिला की पहचान राधा, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, उसके रूप में हुई है। पीड़िता को 2 गोलियां पेट में और 1 हाथ में लगी है। महिला का इलाज मैक्स सांकेत में चल रहा है। आरोपी का नाम कामेश्वर कुमार सिंह है। हमलावर को बार काउंसिल से निलंबित किया जा चुका है। पति ने राधा के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई साकेत कोर्ट में चल रही थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर आरोपी कोर्ट के अंदर हथियार लेकर कैसे पहुंच गया, जबकि एंट्री गेट पर सभी की स्कैनर से जांच की जाती है। पुलिस जांच कर रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि वकील होने का फायदा उठाकर आरोपी ने सुरक्षा जांच ना करवाई हो और सीधा अंदर पहुंच गया हो। मामला हैरान करने वाला है, लेकिन जैसे आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि महिला की पेट पर गोली लगने के बाद भी वो सोए चलकर जा रही है। अरे कोई छुड़ाओ इसको, अरे कोई छुड़ाओ, पड़ गया यार प्रधान वाला है, इसका शहर देते हैं, उसकी कोर्ट में आते हैं, कोर्ट के अंदर पेश होते हैं। Thank you.